वेलकम टू जामगढ़। आज है 22 जून 2019 और 22 जून 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बाद में आपको उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन घंटी को दबा दें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खदान की खोज किस जिले में की गई है? तो हाल ही में बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खदान की खोज दिनाजपुर नामक जिले में की गई है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। बांग्लादेश के दिनाजपुर के इसबपुर गांव में बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खदान की खोज की गई है और यह खदान 6 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें लौह की मात्रा 65% है। अब बात की गई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है, यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन दोनों राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। तो पहले मैं आपको कोल्हापुरी चप्पल दिखा देता हूँ। तो यह होती है आपकी कोल्हापुरी चप्पल और इसकी विशेषता यह होती है कि हाथ से बनाई जाती है, इसमें किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता। तो हाल ही में कोल्हापुरी चप्पल को विशिष्ट भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह टैग महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य को संयुक्त रूप से दिया गया है। कोल्हापुरी चप्पल का निर्माण चमड़े से किया जाता है और यह चप्पल हाथ से निर्मित की जाती है। अब बात की गई है भौगोलिक संकेत जीआई टैग की, तो मैं इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। तो विशिष्ट भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडक्शन, जिसे शॉर्ट में जीआई टैग कहते हैं, जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं को उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है और यह जीआई पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है, इसके बाद में इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। इसके साथ ही आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या है। तो पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूके सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यूके सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। अब बात की है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो आइए इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्थापना की संतुति हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, प्रथम भारतीय गवर्नर सीयूडी देशमुख थे और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और प्रेजेंट टाइम में इसमें 4 उप गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। विश्व भर में 21 जून को 2019 को पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस वर्ष की थीम क्या है? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। इसको अच्छे से याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में
100% आपको ये देखने को मिलेगी। और इस दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में एक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, तो ये भी याद रखिएगा। और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। 21 जून 2015 को विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे IYD मनाया गया था। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में भारत के नितेश जांगिड़ ने इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। भारत के इंजीनियर नितेश कुमार जांगिड़ ने 2019 कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल्स इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। अगर ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाएगा तो लिख करके आएगा, राष्ट्रमंडल महासचिव का सतत विकास के लिए नवाचार पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका भी आंसर नितेश कुमार जांगिड़ होगा। और उन्हें यह पुरस्कार प्री मेच्योर बच्चों को सांस लेने के लिए सस्ती डिवाइस बनाने के लिए दिया गया है, और इस डिवाइस का नाम रखा गया है सांस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट चूल्हा किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई का माहौल प्रदान करने के लिए चूल्हा नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है, और इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया। अब बात की गई है महाराष्ट्र की, तो आइए इसको मैप में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पर पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य की सीमाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा के साथ लगती हैं। अब आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है, जिले 36 हैं, राजभाषा मराठी है, गठन 1 मई 1960 को हुआ था, राजपाल सी विद्यासागर राव हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, विधानमंडल द्विसदनीय है, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं, और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य तमाशा और लावणी हैं, जबकि यहाँ की लोक कला रंगोली है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार निदेशालय DGFT के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एक बार पुनः, विदेशी व्यापार निदेशालय DGFT के महानिदेशक आलोक वर्धन को बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने विदेशी व्यापार निदेशालय DGFT के महानिदेशक के रूप में आलोक वर्धन के विस्तार देने का निर्णय लिया है। यह कार्य विस्तार 3 महीने का होगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ संस्कृत में भी प्रेस रिलीज करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ ही संस्कृत में भी प्रेस रिलीज करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ ही संस्कृत में भी प्रेस रिलीज जारी करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह फैसला संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक हैं, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। नेक्स्ट, किस देश ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है जिससे दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ गया है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अमेरिका के ड्रोन को गिराने का मतलब है एक बहुत ही बड़ा पंगा लेना। तो अच्छे से याद रखिएगा, हाल ही में ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है जिससे दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ गया है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। तो ईरान ने अमेरिका के जासूसी ड्रोन को हार्मूज जलडमरू मध्य में मार गिराया और दावा किया है कि यह ड्रोन ने उसकी सीमा में घुसा था, और इससे नाराज अमेरिका ने ईरान को खुली चेतावनी दी है।
तो ईरान की बात की गई है तो याद रखिएगा ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। नेक्स्ट, लोमड़ी जैसी दिखने वाली बिल्ली कैट फॉक्स की एक नई प्रजाति हाल ही में किस स्थान पर पाई गई है? तो हाल ही में लोमड़ी जैसी दिखने वाली बिल्ली की कैट फॉक्स की नई प्रजाति उत्तरी कार्सिया नामक स्थान पर पाई गई है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह बिल्ली अब तक की अज्ञात प्रजातियों का हिस्सा है और संभवतः यह हजारों साल पहले अफ्रीका या मध्य पूर्व में उत्पन्न हुई थी। इन्हें रेड चैट रेनार्ड या कैट फॉक्स के रूप में भी जाना जाता है और यह उत्तरी कार्सिया के घने जंगलों वाले क्षेत्रों में खोजकर्ताओं के द्वारा पाई गई है। अभी मैं आपको इसकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तो यही है कैट फॉक्स और इसकी विशेषता होती है कि इसका आधा शरीर आप देख सकते हैं, आधा शरीर तो लोमड़ी का होता है लेकिन आधा शरीर बिल्ली का होता है। नेक्स्ट, विश्व सतत पाक कला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 18 जून को विश्व सतत पाक कला दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। तो विश्व सतत पाक कला दिवस प्रतिवर्ष 18 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सतत पाक कला की भूमिका को रेखांकित करना होता है और 2018 में भारत का पहला भारतीय पाक कला संस्थान का उद्घाटन नोएडा में किया गया था। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है। पाक कला का मतलब होता है रसोई में पारंगत होना और पाक कला में रसोई से संबंधित खाना बनाना आदि सिखाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। 21 जून को विश्व भर में विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व संगीत दिवस 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया था और 2019 के लिए इसकी थीम है म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि थीम अक्सर इंग्लिश में ही पूछी जाती है। तो कल की वीडियो का आंसर है, खुफिया एजेंसी ISI के नए चीफ कौन बने हैं? तो खुफिया एजेंसी ISI के नए चीफ फैज हमीद बने हैं और यह आपकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे डेली बोलता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश जरूर किया करिए। इससे क्या होगा, आपका डेली रूटीन बन जाएगा और आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी देखेंगे और करंट अफेयर्स की नोट्स जरूर बनाया करिए। ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट देंगी और हर चीज़ को लिख करके याद करने की कोशिश किया करिए। इससे आपको ये ज़्यादा समय तक लिए याद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं तो आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चैनल में आप नए थे तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई कमी लगी हो तो या कोई सुझाव हो तो उसको ज़रूर बताइएगा और वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।